मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा भाजपा पर लगाए गए हरोस चेजिंग के आरोपों पर मध्य प्रदेश में करीब 17 घंटे से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। मंगलवार सुबह दिग्विजय ने ट्वीट कर कांग्रेस विधायकों को दिल्ली लाने की बात कही थी। इसके बाद जब शाम को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह दिल्ली के लिए निकले तो सियासी पारा और चढ़ गया। कांग्रेस ने देर रात दावा किया कि भाजपा ने कांग्रेस के 6, बसपा के 2 और 1 निर्दलीय विधायक को गुड़गांव के आईटीसी मराठा होटल में बंधक बनाया है। इसके बाद रात में ही भोपाल से मंत्री जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह को दिल्ली भेजा गया। पटवारी ने बताया कि हम होटल पहुंचते तब तक कुछ विधायक किसी अज्ञात स्थान पर शिफ्ट किए जा चुके थे। सिर्फ रामबाई होटल के बाहर मिली। रात करीब 2 बजे कुछ विधायक होटल से अपना सामान लेकर बाहर निकलते देखे गए। सूत्रों के मुताबिक 4 विधायकों को बेंगलुरु भेजा गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से चर्चा के लिए दिल्ली जा सकते हैं। जयवर्धन ने कहा कि हमने कांग्रेस के सभी 6 विधायकों से बात की है, वे लौटने को तैयार हैं। भाजपा रामबाई को गुमराह करके लाई थी। बसपा के 2 विधायकों से भी हमारी मुलाकात हो गई है, वे हमारे साथ हैं। पटवारी ने आरोप लगाया कि विधायकों को खरीदने के लिए 30-35 करोड़ रुपए का लालच दिया गया। हम जब होटल में गए तो नरोत्तम मिश्रा एक विधायक को तो जबरन उठाकर ले गए। इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड शिवराज सिंह है। दिग्विजय ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर आरोप लगाया था कि भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह विधायक रामबाई को अपने साथ चार्टर्ड प्लेन से लेकर दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद शाम को भाजपा उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के दिल्ली पहुंचने से सियासी पारा और चढ़ गया। नरोत्तम यहां पहले से ही थी। गुड़गांव के एक होटल में करीब 9 विधायकों को भाजपा ने रुकवाया था। भनक लगते ही मंत्री जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह दिल्ली रवाना हुए। जब तक दोनों होटल पहुंचे तभी विधायक कहीं और भेज दिए गए। सिर्फ रामबाई होटल के बाहर मिली। दिग्विजय भी रात को होटल गए लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। मुख्यमंत्री कमलनाथ भी देर रात तक दिल्ली में मौजूद विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश करते रहे। हॉर्स ट्रेडिंग पर ग्वालियर में कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना ही मेरे सामने कोई तथ्य आए हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार अंतर विरोधी अंतर कलह से ग्रसित है। भाजपा का इस तरह से घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमारे इस तरह से कोई प्रयास है। कांग्रेस को अपने घर की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं से पूछिए कि उनके यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव बोले, कांग्रेस के 3 अंग हैं, उनमें से 1 अंग सिंधिया कह रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये कांग्रेस का अंतर विरोध है। हमें मालूम पड़ गया था कि ये लोग इस तरह का लालच दे रहे हैं लोगों को, और परसों ही मैंने इसकी पोल खोल दी थी। तो उसमें बाकी लोग तो कोई नहीं आए थे, कुछ लोग आ गए थे इनके प्रलोभन में, इनको दुनिया भर के वादे किए गए। तो जब हमें मालूम पड़ा तो जीतू पटवारी और जयवर्धन तो वहाँ चले गए थे आईटीसी ग्रैंड मनेसर में, तो वहाँ इन लोगों से संपर्क हो गया था। तो जिनसे संपर्क हो गया था वो वापस हमारे साथ आने तैयार थे, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, संजय पाठक पूर्व मंत्री, ये सब लोग वहाँ उनको पैसे देने वाले थे। वहाँ पे अगर छापा डल गया होता तो हमने तो आज वो पकड़ लिया होता। लेकिन शासन हरियाणा में भाजपा का है, हमें गेट पर रोक दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे संपर्क हो गया था, बिसावलाल सिंह जी से भी और रामबाई से। रामबाई तो हमारे साथ वापस लौट आई, उनके साथ भी बड़ी गुंडागर्दी की इन लोगों ने, रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन रामबाई बहादुर महिला है, उसने 2-3 गुंडों को। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.